मेरा पहली बार आगमन हुआ है यहाँ पे। आप में से वन साइडेड लवर कितने रहे हैं, हाथ खड़े कर दीजिए एक बार। खुल के बता नहीं पा रहे, खुल के बता नहीं पा रहे, कहीं सोच भी रहे हैं, कल रात को जो बात हुई थी उसके आधार पे सोच रहे हैं कि इसको वन साइडेड कहें कि क्या कहें। आप कह दो, अनुभव से बोल रहा हूँ, कह दो। और सिंगल कौन कौन है? नहीं नहीं, ये अलग अलग हैं, इसके लिए अपन अलग से बैठेंगे। हाँ, तो ये सवाल अपने आप में गलत था, क्योंकि जो सिंगल हैं, वन साइडेड हैं, वही ओपन माइक में आते हैं, क्योंकि जो किसी के साथ हैं वो अभी भी हैं कहीं और, वो कहीं भी हैं अभी भी कहीं और हैं वो। और जब वो इश्क में होते हैं तो भूकंप आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका सोना बाबू चिगी विगी चल ही रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। हाल तो ये तक होता है कि आप उनसे कोई भी बात शेयर करो, उनका सुबह शाम वही चलता रहता है, खाना खा लिया सो गए, कोई वो देश की जीडीपी डिस्कस नहीं करते, वो उनकी अलग ही बात होती है। आपने वो दौर जिया होगा तो आपको अंदाज़ा होगा। तो दिक्कत ये है कि जब इन तमाम चीज़ों के बावजूद जब वो इश्क में होते हैं और जब उनका कट जाता है, फिर वो शायर बन जाते हैं और फिर वो शायरियां करते हैं कि गमे उल्फत में जुस्तजू तुम्हारी। अब ये जुस्तजू है क्या ये नहीं पता, लेकिन है। और वो हर बात पे इल्ज़ाम देते हैं अपने उस शख्स को कि अपनी खुद की गलती से अगर कोई बस छूटी है, आप देरी से आए, आपकी गलती से बस छूटी है, तो वो शायरी बना देते हैं कि ये बस भी आज तुम निकली, ये बस भी आज तुम निकली, इसे मेरा साथ गवारा न था, ये बस भी आज तुम निकली, इसे मेरा साथ गवारा न था, कुछ तो और साथ बिताते मेरे, आपका बाबू इतना भी आवारा न था। और जब ये सिलसिला चल रहा होता है तो जिनका एक, वो तो फिर शायर बन जाता है, और जिनका कई बार कट जाता है वो स्टैंड अप कॉमेडी करता है, क्योंकि जब खुद की ज़िंदगी में झांक के देखा तो लगा कि सिखाने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि कई बार बने हैं, तो लगा कि एक्सपीरियंस ही शेयर किया जाए। एक ये होता है कि एक तो ये शाहरुख सर, शाहरुख खान सर वगैरह, ये हमें ख़राब कर देते हैं। ये एक मूवी में डायलॉग दे जाते हैं कि कितनी शिद्दत से किसी व्यक्ति को चाहो तो सारी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है, ये लॉन्च कर दिया उन्होंने, मूवी हिट हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होता, कायनात छोड़ो, घरवाले नहीं मानते यार। और कायनात आपको मिलाने में नहीं, आपकी लेने में लग जाती है। आप करके तो देखो एक बार। दूसरा ये दौर आता है कि जब आपको ये इन सब चीज़ों से, जैसे मेरे को मेरे 17 दोस्तों ने कहा कि मूछ मत रखा कर, एज से बड़ा लगता है, रहने दिया कर। लेकिन मैं कैसे हटा दूँ, मेरे को किसी व्यक्ति विशेष ने कभी कहा था कि क्यूट लगते हो, और वो इंसान जब क्यूट से क्यूटिया हो जाता है तो, और खुद की ज़िंदगी हमारी ट्रेनिंग एकेडमी जैसी रहती है, लोग आते हैं सीख के यहाँ जाते हैं, परफॉर्म कहीं और करते हैं। ये बात गहरी है, शाम तक समझ आ जाएगी। मेरा एक दोस्त था इंजीनियरिंग के दिनों में, सुमित चौधरी, तो वन साइडेड लवर में उसका एक नाम था। तो रात को बात हुई है 10 बजे की, बंदी ने कहा है कि मेरे को नोट्स चाहिए। अब उसके पास नोट्स हैं नहीं, कि मेरे को नोट्स हैं फिजिक्स के, उसने कहा नहीं है। तो ठीक है, बात हो गई, लेकिन बंदा पूरी रात जागा, सुबह ब्रेकफास्ट की टेबल पे नोट्स दिए, तो उसने कहा सुमित तुम्हारे पास तो नहीं थे, रात को तो मना किया था तुमने।
अब ये क्या चेप और छिछोरे टाइप के होते हैं, ठीक है, हमारे जैसे ही होते हैं, कोई अलग नहीं होते, आसपास ही होते हैं। तो ये पूरी रात जागा है तो ये कह रहा है अरे तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम बोलो तो सही। तो फिर वो कॉन्वेंट में पड़ी थी तो उसने सिर पे हाथ ऐसे करके पागल। अब ये था शासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का, ये पागल हो गया, ये कमरा बंद करके अल्ताफ राजा के गाने सुन रहा है, ये फील कर लिया इसने, इसको आज तक इससे पहले किसी ने किया नहीं था ऐसे। हमने समझाया कि ये सब नॉर्मल बातें हैं, तू जहाँ से आया है वहाँ ऐसा नहीं होता, लेकिन ये नॉर्मल है। उसके बाद क्या होता है कि थोड़े दिनों बाद में रात 11 बजे बंदी का फ़ोन आता है, फीलिंग लो। तो भाई लग गया हाई कराने में। सुबह 9 बजे तक उसने फ़ोन पे बात की, अगले दिन सेमेस्टर एग्ज़ाम था, बैक आई उसके, 3 साल लगे वो बैक निकालने में, पर उसने हाई कराया। फिर संदीप माहेश्वरी या मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं उनके उसने वीडियो देख लिए, पैशन फॉलो करो, पैशन फॉलो करो, तो उसने कर लिया। इंजीनियरिंग के बाद उसने गांजा बेचा। उसने लिटरली पैशन फॉलो किया। फिर पुलिस का छापा वगैरह पड़ा तो टिकटॉक वीडियो बनाने लग गया। आजकल तो ये चल रहा है ना। आप में से इंजीनियर कितने लोग हैं? कम कम दिख रहे हैं, क्योंकि बाकी तो टिकटॉक वीडियो बनाते हैं, अभी इन्हीं का चल रहा है सारा। अब इन तमाम चीज़ों के बाद मेरा एक दोस्त था धर्मवीर चौधरी, हरियाणा से था वो, अब इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, आप जहाँ से होते हो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप होते हो, आपसे कोई फॉर्म नहीं भराया गया है ना। तो वो हरियाणा से था, मासूम ही था जब तक चुप रहता था, चुपचाप बैठा तो ठीक ही लगता था, बोलने पे दिक्कत होती थी उसको नहीं आसपास वालों को। तो वो दौर वो था जब ये सोना बाबू वगैरह ये इस तरीके के नाम दे देते हैं हम, नाम तो सत्य प्रकाश होता है लेकिन फ़ोन पर तो बाबू ही कहते हैं, सत्य प्रकाश जस्ता नहीं है ना। तो लेकिन ये था, तो मेरा रूममेट था वो, तो रूम पे वो बात कर रहा है बंदी से, वो अपने तरीके से मना रहा है, वो कह रहा है रे बेबी ऐसे ना करते, रे बेबी मान जा, रे बेबी सूट दिवा दूंगा, रे बेबी लिपस्टिक दिवा दूंगा, ऐसे ना करते, रे बेबी मान जा। तो आप लोगों को ताज्जुब हो रहा होगा कि भाई उसकी गर्लफ्रेंड कैसे बनी, और अगर उसकी बनी है तो हम कहाँ हैं, या हमने प्रयास नहीं किए। तो उसकी इस प्रकार बनी कि एक बार कॉलेज में कैंटीन में बैठे थे हम, वो लंच टाइम में अपना खा रहा था खाना, रोटी चूर के खाता है वो, उसने कर रखा था अपना कार्यक्रम। इतने में एक कॉलेज में वो लड़के नहीं होते गोल्डन बाल करके ऐसे होते हैं, सोने की चेन वगैरह रहती है, 5-7 गाड़ियाँ होती हैं उनके, 3-4 कॉलेजेस होते हैं उनके, वो कॉलेज आते हैं क्यों मेरे आज तक समझ नहीं आया, उनके खुद के कॉलेज होते हैं। तो एक फ्रेंड था मेरा, वो उस उन सब चीज़ों में आ गया, उसने कहा यार उसको देखा तूने, उसके पास 3-4 गाड़ियाँ हैं यार, वो बदल बदल के आता है। मैंने कहा गैराज होगा भाई, आप क्यों प्रभावित हो किसी से। तो वो बंदा कैंटीन में इंग्लिश में एक लड़की को कोई गुस्सा कर रहा था, लड़की इमोशनल हो रखी थी, रोए जा रही थी, हम पीछे अपना काम से काम करते, तो धर्मवीर भी साथ था, तो वो इंग्लिश में समझा रहा था। आवाज़ इनकी नशा कर करके बैठ जाती है थोड़ी, डू यू नो हाउ मच मनी आई स्पेंड ऑन यू, डू यू नो हाउ कैन यू से नो टू मी, डू यू नो। तो धर्मवीर खड़ा हो गया ऐसे रोटी छोड़ के, उसने कहा ओ डू यू नो भाई साहब, लड़की क्यों रोने लग रही है। अब ये इंग्लिश मीडियम टाइप के होते हैं इनसे, तो इसने कहा कि दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। अब ये धर्मवीर को समझ नहीं आया, तो उसने धर दी।
तो अभी उस लड़के का इलाज चल रहा है, ये पतंजलि वाली दृष्टि डाल रहा है, उससे फर्क आया है, बता रहा है। ठीक है, दैट्स ऑल माय सेट, थैंक यू।